अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। मैं मोहम्मद इस्माइल मिस्त्रो अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं जो शहर आया हूँ सिंध का तारीखी शहर भिरिया, ये भिरिया शहर है, इसके अकब में है भिरिया स्टेशन, वो भी मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं भिरिया शहर है और काफ़ी चहमक हुई है यहाँ पर, काफ़ी लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं और आप मेरे अकब में देख सकते हैं पीछे कराची के नाम से कराची बिरयानी है। और एक छोटा शहर है मगर काफ़ी ज़्यादा आबादी है और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। और आपको मैं अभी आगे शहर की कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं सामने नादरा का दफ्तर है, लोग NIC वगैरह मनवा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं ये भिरिया शहर कहलाता है, काफ़ी तवील बाजार है। और इससे मुंसलिक एक और शहर है भिरिया स्टेशन, भिरिया स्टेशन भी मैं आपको दिखाऊँगा अपने ब्लॉग में और काफ़ी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ की सादा ज़िंदगी है, सादा लिबास लोग हैं और एक अच्छा माहौल लगा हुआ है। और अभी सर्दी अपनी उरूज पे नहीं है, सर्दी अपनी पीक पे नहीं है, रात के टाइम और दिन के टाइम सर्दी काफ़ी होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी सी दुकानें हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर कारोबार है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखा रहा हूँ। और मैं आगे जाके भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हो सकेगी दिखाऊं। आप देख सकते हैं लोगों की मोहब्बत, जिन्होंने मुल्क के लिए काम किया, जैसे कि देख सकते हैं अब्दुल सदार ईजी साहब, अदीब रिजवी साहब की तस्वीर यहाँ पे थी, मदर तेरेज़ा की भी लगी हुई थी। क्या ये आप देख सकते हैं लोगों की मोहब्बत, जो इंसान अच्छे काम करता है लोग उसको याद रखते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी मार्केट बनी हुई थी, मार्केट से हम आगे बढ़े और आपको दिखाते हैं आगे की जानी चीज़ें। कि मैंने आपको बताया मैंने तीनों जानी से रस्ते आ रहे हैं, ये रस्ता अभी मैं शेरों फ्रोज के लिए आ रहा है, मैं इधर से आ गया था, मुझे इधर से आना था, मैं रास्ता भूल गया था। और अभी हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से सीधा यहाँ का मशहूर जो रेलवे स्टेशन है, तारीखी रेलवे स्टेशन, और वहाँ पे कारोबार की चेमो गोइयाँ, वहाँ के लोगों की मैं आपको चीज़ें, बहुत सारी बातें और लोगों के ख्याल बताऊँगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूट भी मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है लोगों की, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। अभी देख सकते हैं सूप वाले को, ये दोस्त यखनी और चिकन कॉर्नर सूप है आपके पास। तो काफ़ी अच्छा बाज़ार, काफ़ी अच्छी मार्केट है जो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी हम स्टेशन पे आए हैं, स्टेशन पे एक मालगाड़ी जा रही है और हमारा लक एक मालगाड़ी हमें मिल गई। और काफी बड़ी मालगाड़ी है, आप देख सकते हैं ये मालगाड़ी काफी तवील है, जिससे हमारे मैशत चलती है, काफ़ी ज़्यादा सामान पहले जाता था रेल के ज़रिए, अब जाता है ट्रकों के ज़रिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरे कब में मालगाड़ी जा रही है, तो हमने कहा आप ज़रूर दिखाएंगे और हमारा लग था कि मालगाड़ी में टकरा गई। अभी गाड़ी में आने में तो काफ़ी टाइम है, तो मैंने कहा आपको शेयर की वीडियो बनाए क्योंकि टाइम कम है, हमें वीडियो पूरी बनानी है। तो आपको ये भिरिया शहर से, भिरिया शहर से मुंसलिक बहुत बड़ा बाज़ार है, बहुत बड़ा, क्योंकि स्टेशन की वजह से यहाँ पे सामान लाना ले जाना बहुत आसान है और इस वजह से ये बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं स्टेशन बना हुआ है और इसकी वजह से बहुत बड़ा बाज़ार भी है। तो अभी हम आपको बाज़ार की जानिब लेके चलते हैं। ये स्टेशन के साथ तारीखी बाज़ार है और यहाँ शादियों में जो दिए जाते हैं हार नोटों के, वो आप देख सकते हैं ये टंगे हुए हैं और कितनी खूबसूरती से टंगे हुए हैं।
जब मैं आ रहा था अपना स्टेशन की जानिब तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हर चीज़ की दिखाई दी, जिसमें होम अप्लायंसेस की बहुत सारी दुकानें थी, मोबाइल शॉप थी। आप देख सकते हैं कि हर चीज़ की यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, होटलें हैं, बेकरियाँ हैं। आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। देख सकते हैं बहुत बड़ा जनरल स्टोर है। आप भरिया जाएंगे, जब जाएं या आएं आपको दो दरिया पड़ेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरा दरिया है और इस दरिया से मुंसलिक बहुत प्यारा खूबसूरत रास्ता भी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाई देगा NICT के तर्ज पे यहाँ पे भी हॉस्पिटल कंटेनर लगा हुआ है, जैसे कि कराची में भी हर जगह रखा हुआ होता है। यहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट भी रास्ते में पड़ता है और वकला का कोर्ट भी यहाँ पे है। और आगे जाके आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा रास्ता है जो इसका अंदर इंटर होता है। ये रास्ता, ये हम वापसी जा रहे हैं तो सामने की जानिब आ रहा है मोरो नशेरो, और जहाँ से हमारा ब्लॉग इख्तिताम होगा वो इस रास्ता जा रहा होगा पीछे की तरफ सक्कर की जानिब। दोस्तों ये भिरिया शहर, हम यहाँ से इस रास्ते से अंदर आए तो आप देख सकते हैं इस जानिब से हम अंदर आए और ये जानिब जा रहा है आगे की तरफ हाईवे की तरफ। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा अपनी राय से हमें ज़रूर आगा कहेगा। रिश्तेदारों दोस्तों का सबका ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको अभी हम सिंध के बहुत अच्छे अच्छे शेर दिखाएँगे। अस्सलाम वालेकुम।